और किर्गिज गणतंत्र को बधाई देता हूं। उदार आतिथ्य और स्वागत सत्कार के लिए भी उन्हें धन्यवाद देता हूं। एससीओ प्रमुखों की इस बैठक में भाग लेना मेरे लिए खुशी की बात है। भारत को एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में 2 साल हो चुके हैं। हमने एससीओ की सभी गतिविधियों में सकारात्मक योगदान दिया है। हमने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एससीओ की भूमिका और विश्वसनीयता में वृद्धि के लिए व्यापक एंगेजमेंट जारी रखे हैं। एससीओ क्षेत्र तथा भारत के इतिहास, सभ्यता और संस्कृति हजारों साल से परस्पर जुड़े हुए हैं। हमारे इस साझा क्षेत्र को आधुनिक युग में बेहतर कनेक्टिविटी की बहुत आवश्यकता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट, असगाबाद समझौते जैसे इनिशिएटिव्स कनेक्टिविटी पर भारत के फोकस को स्पष्ट करते हैं। हमने 2017 में काबुल और कंधार और नई दिल्ली और मुंबई के बीच एयर फ्रेट कॉरिडोर का भी संचालन किया है। संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, सुशासन, पारदर्शिता, व्यवहारिकता और स्थिरता के लिए समान कनेक्टिविटी के पहलों के आधार होने चाहिए। फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ साथ पीपल टू पीपल संपर्क का महत्व कम नहीं है। हमारी ई पर्यटक वीजा सेवाएं अधिकांश एससीओ देशों के लिए उपलब्ध हैं। मुझे यह घोषणा करते खुशी हो रही है कि भारतीय पर्यटन की वेबसाइट पर शीघ्र ही एससीओ देशों के पर्यटकों की आसानी के लिए रूसी इंटरफेस और रूसी भाषा में 24/7 पर्यटक हेल्पलाइन प्रारंभ होगी। एक्सलेंसी, एससीओ क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण, एकजुट, सुरक्षित और समृद्ध अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण कारक है। हमारा उद्देश्य अफगान लेड, अफगान ओन एंड अफगान कंट्रोल समावेशी शांति प्रक्रिया के लिए सरकार और अफगानिस्तान के लोगों के प्रयासों का समर्थन करना है। हमें खुशी है कि एससीओ अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप के फर्दर एक्शन का रोड मैप तैयार हुआ है। एक्सलेंसीज, हम सबका विजन हमारे क्षेत्र में हेल्दी कोऑपरेशन को मजबूत करना है। हेल्थ शब्द के अक्षरों से हमारे सहयोग के लिए एक अच्छा टेम्पलेट बन सकता है। एच फॉर हेल्थ केयर कोऑपरेशन, ई फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ए फॉर अल्टरनेट एनर्जी, एल फॉर लिटरेचर एंड कल्चर, टी फॉर टूरिज्म फ्री सोसाइटी, एच फॉर ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन। एच फॉर हेल्थ केयर कोऑपरेशन एसओ की 2019-2021 के लिए हेल्थ केयर कार्य योजना पर हमें जोर देना चाहिए। भारत को टेलीमेडिसिन और मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करने में खुशी होगी। ई फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग हमारे लोगों के भविष्य का आधार है। एक पक्षवाद और संरक्षणवाद ने किसी का भला नहीं किया है। हमें विश्व व्यापार संगठन पर केंद्रित एक नियम आधारित, पारदर्शी, भेदभाव रहित, खुली और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की आवश्यकता है। इससे भी सभी सदस्यों, विशेष रूप से विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखा जा सकेगा। भारत एससीओ सदस्य देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर तेजी से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हम महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। इनसे एससीओ में वित्तीय मामलों में और डिजिटलाइजेशन और आईसीटी में सहयोग मजबूत होगा। ए फॉर अल्टरनेट एनर्जी, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता हमारे दर्शन में निहित है, जो पृथ्वी को माता के रूप में मानते हैं। आज भारत अक्षय ऊर्जा का 6ठा और सौर ऊर्जा का 5वां बड़ा उत्पादक है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन भारत की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य और ऊर्जा की लागत कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त जुटाना है। हम इस पहल में एससीओ के देशों को का स्वागत करते हैं और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने में अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। आज हम एससीओ के अंतर्गत एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए वर्ष 2019-21 में सहयोग के कंसेप्ट पेपर पर सहमत हुए हैं। एल फॉर लिटरेचर हमारे युवाओं को एक दूसरे के साहित्य को यानी लिटरेचर के परिचय हमारे संबंधों को गहराई देगा। एससीओ देशों की भाषा में भारतीय साहित्य की 10 श्रेष्ठ कृतियों का ट्रांसलेशन किया जाएगा। हाल ही में उज्बेकिस्तान के सहयोग से ताशकंद में एससीओ फिल्म फेस्टिवल का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसमें मनोरंजक बॉलीवुड और उज्बेकी फिल्मों का समावेश था। लिटरेचर और कल्चर हमारे समाजों को एक सकारात्मक गतिविधि प्रदान करते हैं। खासकर यह हमारे समाज में युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन फैलाने से रोक सकता है। टी फॉर टेररिज्म फ्री सोसाइटी। पिछले रविवार श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान मैं सेंट एंटनी में के चर्च गया था। वहां मुझे आतंकवाद के उस घिनौने चेहरे का स्मरण हुआ जो हर कहीं कभी भी प्रकट होकर रोज मासूमों की जान लेता है। इस खतरे से निपटने के लिए सभी मानवतावादी ताकतों को अपने अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर एकजुट हो जाना चाहिए। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। एससीओ सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है। एच फॉर ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन। भारत अपने क्षेत्र में ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन में और डिजास्टर में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाता रहा है। हमें एससीओ देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने में प्रसन्नता होगी। हमें डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक्सलेंसी बिश्केक डिक्लेरेशन का स्वागत सहयोग के लिए उपयोगी ब्लूप्रिंट मैं एक बार फिर से हमारे मेजबान महामहिम राष्ट्रपति जिनबेको को धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अगले वर्ष के लिए एससीओ की अध्यक्षता करने के लिए बधाई देना चाहता हूं और रूसी संघ की सफल अध्यक्षता के लिए भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूं। धन्यवाद।